हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने बनाए हैं दाल वाले खस्ता समोसे, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इनको बनाना बताऊंगी। सो गाइज, आप फुल वीडियो एंजॉय कीजिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने ले लिया है मैदा, जो कि एक कटोरी मैंने लिया है, और ये मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ी सी अजवाइन डाली है। सो गाइज, मैदा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 5 से 6 चम्मच मैंने इसमें घी डाल दिया है, हल्का गुनगुना करके। और ये देखिए, इस तरह से हम आटे को और घी को मस लेंगे, जिससे एक एक रेसे में एकदम से घी चला जाए। सो गाइज, ये देखिए मुट्ठी बन जानी चाहिए, हमें इतना घी इसमें डालना है, ये देखिए इस तरह से। सो गाइज, आपको घी का अंदाज़ा अपने आप लग जाएगा जब आप इसमें घी डालेंगे। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और इसको भी हम इस तरह से ही देखिए गूथेंगे धीरे धीरे। एकदम से तेज़ी से पानी नहीं डाल देंगे, नहीं तो हमारा डो एकदम पतला हो जाएगा। और ये देखिए, मैंने कसूरी मेथी भी इसी में ही डाल दी है। और ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको टाइट डो हम इसको गूथ करके तैयार करेंगे। ये देखिए, बहुत ज़्यादा से नहीं गूथना है, बस ये आटा इकट्ठा हो जाए और बस ये हमारा डो तैयार है। इसको हम ढक देंगे, इसको हम 10 मिनट तक के लिए रेस्ट पर रख देंगे। सो गाइज, ये है स्टफिंग की बारी। ये देखिए, मूंग की दाल है ये हमारे पास, और आलू भुजिया है, या फिर ये वाली मिक्सचर नमकीन है, या फिर आपके पास घर में कोई नमकीन रखी हो इस तरह से, तो आप वो भी ले सकते हैं। सो गाइज, इनमें से कोई भी नमकीन आप ले सकते हैं, ये देखिए। लेकिन मैं इसमें लूंगी मूंग की दाल वाली नमकीन। इससे हमारे जो समोसे बनेंगे खस्ता दाल वाले, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो गाइज देखिए, मैंने एक कटोरी ही मूंग की दाल वाली नमकीन ले ली है। इसमें हमने डाल दी है मिर्ची, गरम मसाला, आमचूर पाउडर है और चाट मसाला है। सफेद नमक और काला नमक दोनों हम थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि इस वाली नमकीन में बहुत नमक होता है। अब हमने डाल दिया है भुना जीरा और इसको हम अच्छे से मिला करके इसको पीस देंगे। सो गाइज, ये देखिए कितना बढ़िया सा हमारा पाउडर, हमारा मूंग की दाल का एकदम तैयार हो गया है। तो गाइज, हमारी स्टफिंग एकदम रेडी है और इसको मैं अब एक बोल में निकाल लूंगी। ये देखिए कितनी बढ़िया स्टफिंग है। आटे को हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, आटा एकदम परफेक्ट हो गया है ये हमारा। इसको हल्का सा ही हम बस मस लेंगे, ज़्यादा हमें गूंथना नहीं है। और इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ हम देखिए बना लेंगे और इसको हम इस तरह से बेल लेंगे। सो गाइज, देखिए समोसे को इसको लंबाई में ही बेला जाता है, इस तरह से आप देखिए। समोसे की शेप जो होती है वो लंबाई में, इस तरह से पूड़ी को हम बेलेंगे। और देखिए, इतनी मोटी हमको बेलनी है, एकदम पतली नहीं और रोटी के बराबर ही हमको बेलनी है बस ये। और देखिए, बीच में से हम कट करेंगे। और देखिए, हम रखने का तरीका आप देखिए, मैंने पहले उंगली पर इसको इस तरह से रखा है और ये देखिए चिपका दिया है पानी की सहायता से। और देखिए, जो मेरे फोल्ड वाला जो निशान है उसको मैंने अंगूठे की तरफ रखा है और इसमें हम स्टफिंग भर देंगे। और देखिए, खूब अच्छे से मैंने इसको दबा करके स्टफिंग को भरा है। और जो किनारे पर है वो सारी स्टफिंग हटा देंगे और इसमें हम लगा देंगे पानी। ये देखिए, पानी की सहायता से हम इसको चिपकाएंगे। और देखिए, पीछे मैंने उठा करके इसमें फोल्ड बनाया है एक, और इसको इस तरह से चिपका देंगे दबाते हुए। ये देखिए, बिल्कुल भी कोई भी किनारे खुलने नहीं चाहिए, हमने ऊपर का भी दबा दिया है। और ये हमारा मिनी समोसा खस्ता एकदम तैयार है। सो गाइस, ये देखिए मेरा, दोबारा से आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने ये समोसा बनाया है। और ये देखिए, पीछे से इस तरह से हमें इसको फोल्ड को लेना है और इस तरह से सेंटर में दबाते हुए, साइडों से चिपकाते हुए हमको इस समोसे को तैयार करना है। सो गाइज, ये देखिए मैंने ये छोटा सा समोसा इस तरह से बनाया है। इसी तरह से मैंने बड़े समोसे ही बनाए हैं, आप वाली वीडियो भी देख सकते हैं। मैं इसकी एक डिजाइन और बता रही हूँ। ये देखिए, पानी लगा करके हमें सेंटर से इस तरह से दबाते हुए सारा चिपका देना है और फिर इसको एक देखिए कली का इसको डिजाइन देना है, ये देखिए बर्ड का। सो गाइज, ये देखिए बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। ये भी देखिए समोसा, ये देखिए इस डिजाइन के भी ये खस्ता नमकीन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में। सो गाइज, देखिए मैंने इस तरह से ये सारे हमारे मिनी समोसा तैयार कर लिए हैं। तेल मैंने चढ़ा दिया है और देखिए, मैं एक छोटी सी आटे की गोली डाल के देख रही हूँ, बबल आ गए हैं। तो ये हमारा तेल एकदम परफेक्ट रेडी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने ये सारे मिनी समोसे, ये देखिए। और इसमें आप जितने कढ़ाई में आ सकें आप उतने डालिए, जिससे कि तेल का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट रहता है। सो गाइज, ये देखिए एकदम ऊपर आ गए हैं अपने आप ही। और ये देखिए, मैं इसको फटाफट से पलट दूंगी, सारे चम्मच की सहायता से पलट देंगे, आराम से पलट जाते हैं ये। और देखिए, सो गाइज, ये देखिए देखते देखते ही इसका कलर भी चेंज होने लगा है और ये सिकने भी लगे हैं। सो गाइज, इसे 10 से 12 मिनट टोटल हमें हो गया है सेकते हुए। फ्लेम को मैंने एकदम लो रखा था, बिल्कुल भी हाई या मीडियम बिल्कुल नहीं किया है। आप जितने लो फ्लेम पर आप इनको सेकेंगे, उतने ही ज़्यादा ये हमारे खस्ता और करारे बनेंगे और काफ़ी दिनों तक भी ये खस्ता और करारे रहेंगे। सो गाइज, ये देखिए हमारे बढ़िया से परफेक्ट ये वाला कलर आ जाना चाहिए। आप इसी तरह से सारे समोसों को बना लीजिएगा। और इसी तरह से ये मैंने दूसरा बैच भी इसमें समोसों का डाल दिया है, देखिए कढ़ाई में। और ये हमारे समोसे एकदम रेडी हैं। सो गाइज, ये देखिए एकदम बढ़िया से हमारे दाल खस्ता
खस्ता समोसे एकदम रेडी हो गए हैं। ये देखिए मैं आपको अंदर से इसकी लेयर दिखाती हूँ, ये देखिए पास से, और अंदर से इसकी स्टफिंग देखिए कितनी बढ़िया लग रही है और इसकी कितनी सारी लेयर आई हैं ये देखिए। सो गाइज़ ये देखिए मैं अभी आपको इसको एक हल्का सा तोड़ के दिखाती हूँ। आप मेरे अंगूठे की तरफ देखिएगा, मैं इसको दबाऊँगी तो कितना अच्छे से प्रेस होगा। ये देखिए एकदम से खस्ता जैसे चीज़ें जो होती हैं, खस्ता हमारी कचौड़ी होती हैं, जिस तरह से एकदम प्रेस करते ही जो एक प्रेशर पड़ता है उस तरह से ये हमारी खस्ता बनी है। इसको देखिए मैं इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी अभी। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी खस्ता, हमारे समोसा दाल बनके तैयार हो गए हैं। सो गाइज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं ऐसी ही टेस्टी चटपटी मज़ेदार आसान रेसिपी लाती रहूँगी और आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी। ये देखिए गाइज़ तोड़ने के बाद मैंने इसमें कितनी सारी लेयर दिखाई हैं आपको। ये हमारे बहुत ही टेस्टी सी नमकीन बनी है, आप इनको ज़रूर बनाइएगा। कभी भी किसी भी टाइम स्नैक्स टाइम में खाइए, चाहे कोई मेहमान आए तो कभी भी चाय से खाइए। सो गाइज़ मेहमान तो मेहमान, बच्चे बड़े सभी लोग तारीफ करेंगे। सो गाइस बनाइएगा जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।